हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का दिन शुरू हो चुका है एक नए ब्लॉग के साथ। और जानता हूँ गाइस, बहुत लंबा टाइम, मतलब यार सीरियसली बहुत लंबा टाइम का गैप आ चुका था ये ब्लॉग में, पर आज से अपने वीडियोस पूरे कंटिन्यू हो चुके हैं। और इतने टाइम के गैप में दो चीज़ थी, मतलब दो रीज़न्स थे जिसके वजह से ये लॉन्ग गैप आया था। द वन इज़ कि मुझे मेरी बीस की सर्विसिंग करवानी थी, जैसे मुझे स्पेशली ऑयल चेंज करना था। और मुझे जो ऑयल चाहिए था कैस्ट्रॉल का पावर वन अल्टीमेट 15W50, जो मुझे यूजुअली कहीं मिल नहीं रहा था, तो जिसके वजह से मैं थोड़ा अटका पड़ा था क्योंकि मैंने बहुत सी जगह पे रिव्यूज़ देखे थे। तो अभी मुझे वही सबसे बेस्ट लग रहा था और वो यूजुअली कहीं नहीं मिल रहा था मुझे। इवन ऑनलाइन में मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट सब ट्राई किया, बट हर जगह पर आउट ऑफ स्टॉक था। तो फाइनली मैंने जिस बंदे को ऑर्डर दिया था उसके पास से आज फाइनली आ चुका है। सो इस सबसे बड़ा रीज़न जिसके वजह से मेरे इतने दिन से व्लॉग जो अटके हुए थे, वो है कि भाई सक्सेसफुली आपके भाई का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ठीक है गाइस, और ये पूरा सपोर्ट आपकी वजह से है, ओनली एंड ओनली यू गाइस, जिस वजह से यार मेरा चैनल इतने टाइम बाद मोनेटाइज हुआ है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा मोनेटाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, इस वजह से मेरे ब्लॉग बीच में अटक गए थे। सो गाइस, चलिए अभी अपने आज से शुरू करते हैं वापस से और चलते हैं फटाफट अपनी बीस्ट को सर्विस करवाने। सो गाइस, अभी हमने हमारी गाड़ी रख दी है सर्विस के लिए और लेने आए थे हम फ्यूल ऑयल, जो कि पेंडिंग था। अरे भैया है यहाँ पे, इनकी कैस्ट्रॉल भी है ब्रांच पे जो चालू है इनकी, तो इनके पास अपने ने ऑयल का ऑर्डर दिया था जो कि आ चुका है। लेट्स सी किधर है, किधर है भैया? अरे ये वाला, अरे ये नहीं था, यही बोला था ना आपने 1550? नहीं, पर मैंने आपको वो बोला था ना पावर वन। सो अभी अपने को एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, वो है तो ऑयल सेम, जस्ट खाली पैकेजिंग थोड़ी अलग है और ये थोड़ा उससे भी एक लेवल अपर है जो आपने ने मंगवाया था। तो अभी अपने चलते हैं फटाफट जहाँ अपनी बीस्ट है और दे इसको अपने फटाफट सर्विसिंग को चालू करें, ऑयल चेंज करें और फिर आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगा इस मेरे लिए भी 2000, मैं तो ज़्यादा भी नहीं मांग रहा साले। तो ये अपना ऑयल आ गया, अपना ऑयल कैस्ट्रॉल पावर वन क्रूज 50W50। अब ये ऑयल जाने वाला है अपनी बीस में, और जो जितना जल्दी हो सकता। चलो, जब तक हमारा सर्विसिंग का काम हो रहा है, ऑयल चेंज के लिए भी यहाँ पे बहुत मगजमारी होने वाली है क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें ओपन होने वाली है। जब तक अपना सर्विसिंग का काम होता है तब तक अपने चलते इस कबाड़ को थोड़ा मिलाने धुलाने, क्योंकि लास्ट 6 महीने से ये बंदे ने गाड़ी वॉश भी नहीं करवाई है। लास्ट 6 महीने पहले मुझे याद है यहाँ पर वॉश करवाई थी आगे, और उसके बाद तो गाड़ी वॉश भी नहीं हुई है। लास्ट कब वॉश करवाई बता ना, मैं था तभी ना। चलो अभी तो हम लोग आ चुके हैं घर पर क्योंकि अभी बीस्ट को होने में कम से कम 1 से 2 घंटा लगेगा, तो तब तक यार फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा दूसरा काम भी है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। मेरे को क्लिनिक पे भी जाना है, थोड़ा काम है, सो पहले वो सब ख़त्म करके फिर अपने वापस बीस लेने जाते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने जितना भी रिव्यू देखा है ना कैस्ट्रॉल के रिलेटेड, जो कि पावर वन 15W50 का जो ऑयल है, उससे तुम्हारी गाड़ी की स्मूथनेस और जो पिकअप एंड एवरीथिंग पावर, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। और मैंने ये एक दो नहीं, मतलब मैंने बहुत सारे ऐसा मतलब रिव्यूज़ भी सुने और बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे जिसमें ये चीज़ हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चेंज तो करवा रहे हैं, अब चेंज कराने के बाद देखते हैं तो अपने को एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, तब तक अभी पहले फ्रेश हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं। सो अभी हम हो चुके हैं रेडी और अभी चलते हैं बाहर, जो कि कहा था क्लिनिक पर जाना है क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ है, उनकी हेल्थ थोड़ी सही नहीं है तो उनको लेके जाना है। तो अभी पहले फटाफट अपने चलते हैं वहाँ से, ख़त्म करने के बाद पहले बीस देखने के लिए जाएंगे कि वहाँ भाई बीस रेडी हुई है या नहीं हुई है और कितना टाइम लगने वाला है। तो चलते हैं, अभी हमारे सारे काम हो चुके हैं ख़त्म और फाइनली हमारा बीस्ट का इंजन ऑयल भी चेंज हो चुका है। और ये रही, पहले देखते हैं क्या सिचुएशन है फिर बताते हैं। अभी तो
जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं लूँगा तब तक तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा, तो पहले टेस्ट ड्राइव लेने दो, उसके बाद मुझे डिफरेंस का पता चले कि यार एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। चलो फाइनली अपनी बीस्ट हो चुकी है, ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब क्लीन हो चुका है, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया है, और अब लेके अपने निकलते हैं, पहले देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ा है अपने को, जो कि अपने ने TVS से ऑयल चेंज किया है और कैस्ट्रॉल का ऑयल जो अपने ने पावर बैंड डाला है उसे क्या डिफरेंस आता है, थोड़ा देखते हैं तो अपने को एग्जैक्टली आइडिया आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने लोगों के रिव्यू देखे हैं उस हिसाब से कैस्ट्रॉल के ऑयल से काफ़ी ड्रास चेंज आता है तुम्हारे पिकअप में और जो वाइब्रेशन है उसमें। तो लेट्स सी। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए दक्षिणी मणिनगर वाले गणपति, और भाई यहाँ पे भीड़ और ये सब तो देखो, जस्ट मतलब तो ज़्यादा ही भीड़ भाई, और इसमें भी जो आगे है एग्जैक्टली यहाँ पे, तो वहाँ तो लंबी चौड़ी लाइन है, नहीं इतना 500 मीटर जितनी लंबी होगी, 500 मीटर लंबी लाइन है भाई, के वहाँ की थीम है ओशन वाली, उसमें मगरमच्छ बनाया, उसमें से जाना है, तो उन्होंने तो इसके लिए भीड़ इतनी ज़्यादा है। तो अभी अपने आए हैं गणपति गली, जो कि एक्चुअली यहाँ पे फेमस है, तो हम वहाँ पे दर्शन करने आए, फिर अपने आगे चलते हैं। तो गाइस ये है एंट्री दक्षिणी चा राजा, और ये उसकी पूरी एंट्री बनाई है। युवा नेता माननीय श्री विपुल भाई पाणगोड़े जी नो श्री शिव शक्ति युवक मंडल हार्दिक स्वागत करे छे। ये यहाँ से लेके तक पूरा इसका रहने वाला है, और अभी पहले अपने चलते हैं आगे, तो अपने को पता चलेगा यहाँ की मूर्ति इस बार कैसी है। चलो देखते हैं। गाइस अभी हम लोगों को दर्शन करना था, बट यार जिस हद तक की भीड़ है ना यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा है, तो गाइस अभी हमें दक्षिणी के राजा का दर्शन करने नहीं मिला, बट नॉट अ प्रॉब्लम, अभी हम कर रहे हैं जय माला गणेश महोत्सव के, यहाँ दर्शन करते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं। यहाँ देखो अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी खासी तो नहीं है, ठीक मतलब ज़्यादा नहीं है, दक्षिणी जितनी तो नहीं है, लेकिन उसकी, और वो है हमारे गणपति बप्पा। चलो वहाँ जाके आपको नज़दीक से दिखाते हैं। हम आए और एक जगह पे जहाँ गणेश जी की स्थापना है,